हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट नेटिंग चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइबर कीजिए। तो ये देखिए, मैं आपको टोपी बनाना सिखाऊंगी बच्चों की, 1 साल, 2 साल और 3 साल के बच्चों की। ये देखिए, हमें इसके लिए 13 फंदे चाहिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 13 फंदे। तो चलिए बनाते हैं। ऐसे एक हमने सीधा लिया, दूसरा सीधा लिया, फिर हमने यहाँ पे जाली डालनी है, ऐसे धागा आगे करके सीधा बुनना है। फिर एक, फिर दो, फिर से धागा आगे किया, फिर से जाली डालनी है, फिर एक, फिर दो, फिर से धागा आगे किया, फिर से जाली डालनी है, फिर एक और ये दो, फिर से धागा आगे किया, फिर जाली डालनी है। यहाँ पे भी हमें जाली डालनी है एक के आगे। ये देखिए, ये सारी मिला के हमें 6 जाली बनानी है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये लास्ट वाली 6। और उल्टी सिलाई हमें सारी उल्टी ही लेनी है। देखिए, फिर से हमें सीधी सिलाई में यहाँ पे पहले 2 बने थे, अब 3 बनेंगे। यहाँ पे हमें जाली डालनी है, 1, 2 और ये 3। फिर से हमें यहाँ जाली डालनी है, धागा आगे करके धागा आगे किया, यहाँ पे जाली डालनी है, 1, 2 और ये 3। फिर से धागा आगे किया, 1, 2 और ये 3, 1, 2 और ये 3। ये लास्ट वाला फंदा है, हमें यहाँ पे जाली बनानी है, यहाँ ऐसे। ये देखिए, ऐसे हमारे बढ़ते हुए फंदे जाएंगे और उल्टी सिलाई हमें बिल्कुल सारी उल्टी ही डालनी है। देखिए फ्रेंड्स, फिर से हमें सीधी सिलाई पर आ गए हम। ये देखिए, 1, 2, 3 और ये हमारा फंदा बड़ा 4। यहाँ फिर से जाली डालनी है, ये देखिए। ऐसे ही हर एक सिलाई में हमारे फंदे बढ़ते ही जाएंगे, जब तक ये जालियाँ जो हैं 20 नहीं बन जाती, तब तक आप ऐसे ही सीधा और उल्टा बना लीजिए 20 जालियों तक। उल्टी सिलाई हमें सारी उल्टी ही लेनी है और सीधी हमें सीधी ही लेनी है। हम जालियों की सहायता से फंदे हम अपने बढ़ाते ही जाएंगे ऐसे। ये देखिए, ऐसे ही करके हमें ये जालियों की गिनती हमें 20 तक बढ़ानी है और ये फंदे हमारे बीच वाले बढ़ते ही जाएंगे। ये देखिए, ऐसे 1, 2, 3 फिर 4, 5, 6 ऐसे ही 20 तक जालियां बनेंगी और ये फंदे हमारे बीच वाले बढ़ेंगे। और आइए, अभी हमें उल्टी सिलाई उल्टी ही लेनी है और सारी हमें ऐसे ही 20 जालियों तक ऐसे ही बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये 20 जालियाँ बन के तैयार हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ये देखिए, ये हमारे फंदे बढ़ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 20 20 फंदे बन गए यहाँ पे। अभी हमें चाहिए कितने हैं, 50 50 जोड़ चाहिए हमें, कम से कम हमें 100 फंदा चाहिए। और ये है 62 62 इंटू 2, 124 फंदे हैं हमारे पास। हमें यहाँ पे घटाना है इनको, हमें केवल 50 फंदे चाहिए। इनको डिवाइड करके हमें यहाँ पे घटाना है ऐसे, 2 का 1 किया, ये 6 फंदे फिर से लिए, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, फिर से हमें 2 का 1 करना है ऐसे, फिर से 6, 2,
तीन चार और ये पांच और छः, फिर से दो का एक करना है, एक दो तीन चार पांच और ये छः, फिर से दो का हमें एक करना है ऐसे, एक दो तीन चार पांच ये छः, फिर से हमें दो का एक करना है, एक दो तीन चार पांच और ये छः, फिर से हमें दो का एक करना, ऐसे ही करके हमें सारी सिलाई डालनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमें अगली सिलाई में कम करने हैं और फंदे, क्योंकि हमें 48 या 50 जोड़ चाहिए। इसके लिए हमें फिर से कम करने हैं, यहाँ पांच के बाद दो का एक किया, एक दो तीन चार और ये पांच, यहाँ पे हमें पांच के बाद दो का एक करना है, तीन चार और ये पांच, एक दो तीन चार और ये पांच, एक दो तीन चार और ये पांच, तीन चार और ये पांच, एक दो तीन चार पांच, फिर से दो का एक किया, एक दो तीन चार पांच, फिर से दो का एक किया, एक दो तीन चार पांच, फिर से दो का एक किया, एक दो तीन चार पांच, फिर से एक दो का एक किया, एक दो तीन चार पांच, फिर से दो का एक किया, एक दो तीन चार और ये पांच। हमें सारी सिलाई ऐसे ही बनानी है, दो तीन चार और ये पांच, फिर से दो का एक किया, एक दो तीन चार और ये पांच, फिर से दो का एक किया। बाकी फंदे हमें सारे ऐसे ही बनाने हैं, और उल्टी सिलाई हमें सारी उल्टी ही लेनी है। और अभी देखते हैं हमारे पास कितने फंदे बचे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 और एक फंदा। ये दो दो से 3 साल के बच्चे के लिए बहुत है फंदे। जो उल्टी सिलाई हमें उल्टी ही लेनी है। देखिए ये हमें सीधी सिलाई सारी सीधी लेनी है, अभी उल्टी सिलाई भी सारी उल्टी लेनी है। ऐसे ही करके सीधी और उल्टी मिला के हमें 7 या 8 सिलाइयाँ ऐसे ही सीधी उल्टी यहाँ तक ले लेनी है। इतना सा बॉर्डर बना लेना है, इतना सा बना बुन लेना है यहाँ से, उसके बाद में फिर बॉर्डर बुनने बनेगा। वो सारी उल्टी उल्टी सिलाइयाँ ही बॉर्डर की बनाएंगे हम। ये देखिए ऐसे ही हमें करके ये सीधी और उल्टी सिलाइयाँ मिला के हमें 7 या 8 सिलाइयाँ डालनी है। आप अपने बच्चों के हिसाब से, अगर 1 या 2 साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं, 1 साल के लिए बना रहे हैं, तो ये जालियाँ हैं जो वो कम कर दीजिए, ये 20 है, ये 19 या 18 कर दीजिए आप,
ये मैं बना रही हूँ 2 से 3 साल के बच्चे के लिए। और ये फंदे जो हैं, यहाँ से फंदे 21 थे, आप 19 या 18 कर दीजिए अगर छोटे बच्चे के लिए बना रही हैं तो। अगर बड़े के लिए बनाना है तो आप फंदों को बढ़ा दीजिए। ये देखिए, ऐसे ही करके हमें 5 से 7 सिलाइयाँ या 8 सिलाइयाँ बनानी हैं, सीधी और उल्टी मिला के, क्योंकि हमारी टोपी की लंबाई बढ़े इससे। ऐसे ही करके अभी हमें उल्टी सिलाई, सारी उल्टी लेनी है और सीधी, फिर से हमें सीधी लेनी है। इन सिलाइयों में हमें कुछ नहीं करना है। ये देखिए, ये इतना बन गया हमारा। यहाँ से अभी 2 सिलाइयाँ हमें और डालनी है। ये देखिए, चाहे तो आप उल्टी उल्टी सिलाइयाँ ले सकते हैं जहाँ पे, चाहे तो आप सीधी तरफ से भी सीधी और उल्टी तरफ से भी उल्टी सिलाइयाँ लेके बना सकते हो। ऐसे ही बनाएंगे हम ऐसे। ये देखिए, यहाँ पे ये बॉर्डर बनेगा। हमें उल्टी सिलाई भी सारी सीधी लेनी है और सीधी सिलाई भी सारी सीधी ही लेनी है। आप चाहें तो उल्टी सिलाई भी उल्टी ले सकते हो और सीधी सिलाई भी उल्टी ले सकते हो, तब भी ऐसे ही बनेगा। ये देखिए, ऐसे अभी हमें सीधी तरफ से है और सीधी तरफ से भी हमें सीधी ही सिलाई लेनी है। जैसे ही हमें 4 या 5 सिलाइयाँ बनानी है। ये देखिए, इतना बनाने के बाद हमें इसे अभी बंद करना है। ऐसे 2 फंदे बना लिए, एक को ऊपर से निकाल दिया, फिर से दूसरा बनाया, पीछे वाले को ऊपर में से दूसरे में से निकाल दिया। ऐसे ऐसे पलटना है इसको, पीछे वाले को अगले वाले में से पलटना है। ऐसे 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 ही करके हमें ये सारा बंद करना है। ऐसे ये देखिए, ऐसे बंद हो गई। ये देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पे ये हमारा ख़त्म हो चुका है, ये देखिए, ये लास्ट वाला फंदा है। इसको, इसमें से हम ऐसे ऊन निकालेंगे। ऐसे अभी इसको बंद कर देंगे। ये थोड़ा सा धागा हमें तोड़ना है जहाँ से, और सिलाई के लिए इसको यूज़ करना है। ये देखिए, इसको हम अब सूए में डालेंगे। इसको उल्टा करके यहाँ से सिलना है। ऐसे देखिए, ये यहाँ से पहले हमें इसको पक्का करना है।
एक बार फिर से यहाँ से रवि देखना, देखिए एक बार यहाँ से लेना है इधर से और एक बार हमें इधर से लेना है। ये देखिए ऐसे, ऐसे ही करके हमें इसे सारा सिल लेना है। देखिए फ्रेंड्स, सारा सिलने के बाद हमें ये टॉप वाला हिस्सा जो है इसे ऐसे सिलाई करनी है इसकी, ऐसे। इसकी चारों तरफ से ऐसे ही घुमाना है। इसको ऐसे खींचना है यहाँ से, एक बार फिर से ऐसे ही चारों तरफ से हमें घुमाना है, इसको पक्का करना है यहाँ से। यहाँ भी इसको बंद कर देना है। ये देखिए यहाँ से ऐसे बनेगा। ये देखिए ऐसे आएगा ये। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।